साथियों नमस्कार। अगर साथियों आप धान की खेती करना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको उत्पादन भी ज्यादा लेना होगा। अब उत्पादन लेने के लिए सबसे पहला मन में आपके सवाल आता हो कि हम कौन सी वैरायटी का चुनाव करें जिससे हमारा उत्पादन ज्यादा है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग धान की हाइब्रिड 5 ऐसी किस्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उत्पादन 2021 और 2022 में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। स्वाभाविक सी बात है इन दोनों सालों में अच्छा रिकॉर्ड मिला है, तो तीसरे साल यानी कि 2023 में भी अच्छा आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये 5 वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी है और इस बारे में बात करेंगे वो रिलीज कहाँ से हुई है, आपको प्रति एकड़ बीज दर क्या लेना है, प्रति एकड़ आपका उत्पादन क्या लेना है, उस वैरायटी की खास विशेषता क्या है। साथ ही साथ दोस्तों हम उसके उत्पादन के बारे में बात करेंगे कि उसकी उत्पादन प्रति एकड़ कितनी होती है। तो बिना देरी के चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। मैं हूं आपका किसान मित्र अनुप धवन और ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं, धान से जुड़ी सारी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डे टू डे आपको जानकारी और अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हाइब्रिड धान की श्रेणी में पहले नंबर का जो हमारा किस्म है अराई 6444 गोल्ड है। अब दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये किस्म कहाँ से रिलीज हुई है। तो बायर क्रॉप साइंस के द्वारा ये किस्म विकसित की गई और बायर की सबसे पॉपुलर किस्म है उत्पादन के मामले में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम बीज दर की दोस्तों बात करें तो जितनी भी हाइब्रिड किस्म होती है उसका बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब ही होता है। यही आपके हाइब्रिड धान की पहचान होती है कि इसका बीज दर आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन जो आपको मार्केट रेट होता है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों इस किस्म का भी जो बीज दर होगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बीज दर देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसकी खास विशेषता की अगर हम बात करें कि इसकी खास विशेषता क्या है जिसकी वजह से किसान भी इसको लगाते हैं, सबसे पहली बात ये बायर की सबसे पॉपुलर किस्म है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता दोस्तों इसका उत्पादन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता दोस्तों जब भी फसल आपकी पक्की तैयार होती है तो ये फसल आपकी गिरती नहीं है, जिससे कि किसान भाई इसका पसंद और इसका चुनाव सबसे ज़्यादा करते हैं। और सबसे लास्ट जो पसंद करने का कारण है दोस्तों ये मौसम जो बदलता है, मौसम के जो चेंजेस होते हैं इसके लिए ये सहिष्णु किस्म है, यानी कि बदलाव में भी ये अपने आप को मेंटेन करके अपनी बढ़ोतरी करता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं इसके उत्पादन के बारे में। तो इसका जो उत्पादन आपको देखने को मिलता है किसान भाइयों 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि इस किस्म को आप किस किस क्षेत्र में लगा सकते हैं तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में आप इसका चुनाव बेशक और किसी भी झिझक के आप कर सकते हैं। दूसरी नंबर की जो हमारी किस्म रहेगी ये भी बायर क्रॉप साइंस के द्वारा डेवलप की गई वैरायटी है 8433 DT। अब दोस्तों इस किस्म की सारी विशेषताएं के बारे में बात करेंगे कि प्रति एकड़ आपका बीज दर क्या लेना है। तो सबसे पहले बात तो ये भी बायर क्रॉप साइंस के द्वारा विकसित की गई किस्म है। अगर फसल अवधि की हम बात करें दोस्तों तो फसल अवधि जो रहेगी दोस्तों 130 से 135 दिन की इसकी फसल अवधि मिलती है। पैदावार की अगर बात करें दोस्तों तो पैदावार इसका 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ में आपका उत्पादन इसका देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों बीज दर की अगर बात करें तो बीज दर आपको फिर से वही बात है कि हाइब्रिड धान की जितनी भी बीज दर रहेंगे वो 5 से 6 किलोग्राम आपका प्रति एकड़ बीज दर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर इसकी विशेषता की बात करें तो भूरे काले वाले जो इसमें डिजीज लगते हैं और साथ ही साथ दोस्तों लीव ब्लाइट वाले जो रोग लगते हैं ये आपको इस धान की किस्म में देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये धान की हाइब्रिड किस्म है वो अगेती किसान भाई जो पहली बुआई करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है। राशि RRX 113 किस्म है दोस्तों। इसकी जो फसल अवधि है ये कम है, यानी कि 115 से 120 दिन की इसकी फसल अवधि है। उत्पादन आपको सामान्य धान की तरह ही देखने को मिलता है, यानी कि 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपका इसका उत्पादन देखने को मिलता है। बीज दर की फिर से बात करेंगे तो बीज दर 5 से 6 किलोग्राम इसका बीज दर है। लेकिन दोस्तों इसकी खास बात एक है कि आपकी तो ये अगेती किस्म है ये, साथ ही साथ दोस्तों जितने भी आपके ब्लास्ट वाले रोग लगते हैं आपके धान में ये ब्लास्ट वाले रोगों से बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रभाव देखने को नहीं मिलता। प्रभाव तो दिखता है लेकिन अगर आपका एरिया इस रोग से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है तो आपके एरिया में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगैती की आप बुआई करते हैं, अगैती में आप धान की खेती करते हैं जैसे, तो आपके लिए बहुत अच्छी किस्म हो सकती है। अगली जो हमारी हाइब्रिड की किस्म है दोस्तों, अगर आपके एरिया में हल्की मिट्टी है और कम बारिश होती है तो आपके एरिया के लिए हाइब्रिड किस्म सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। कावेरी की 468 किस्म है। अगर आपके एरिया में ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रहा है और हल्की मिट्टी है तो आप अपने एरिया में इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी फसल अवधि दोस्तों 120 से 125 दिन की है। अगर आपके एरिया में बारिश भी कम हो रहा है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा किस्म माना जाएगा। उत्पादन की अगर बात करूँ दोस्तों तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ आपका इसका उत्पादन देखने को मिलता है। जो इसकी बीज दर होती है वो 4 से 5 किलोग्राम इसके प्रति एकड़ में आप बीज दर दे सकते हैं। दोस्तों
इस वाले वैरायटी को ज़्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है। अगर आपके एरिया में कम बारिश भी होता है फिर भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्की मिट्टी के लिए तो ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा काम की मानी जाती है। खासकर हमारे पूर्वांचल रीजन में कावेरी वाली धान की बहुत ही ज़्यादा प्रचलन रहता है और लोग लगाते भी हैं। मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के इस वैरायटी को लगा रहे हैं। हाइब्रिड धान की सबसे जो हमारी आखिरी किस्म है पायनियर की 27P31 किस्म है दोस्तों। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, इसका जो रोपाई होता है उसमें आपको ज़्यादा दूरी नहीं रखना पड़ता, कम दूरी जितना रखेंगे उतना इस वैरायटी के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया माना गया है। अब पता नहीं ये किस फॉर्मूले पे काम करता है, इसके बारे में बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर बात करें दोस्तों इसकी फसल अवधि की, तो ये भी आपकी धान की किस्म 120 से 130 दिन की वैरायटी है। उत्पादन आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, 25 से 30 क्विंटल आपको प्रति एकड़ में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों बीज दर की अगर बात करूँ तो बीज दर वही 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर लेना है। सबसे खास बात दोस्तों, जितने भी लीव ब्लाइट वाले इसमें रोग रहते हैं, ब्लास्ट वाले रोग रहते हैं, ये इस दोनों रोगों से प्रतिरोधी किस्म है। तो बताएं दोस्तों ये 5 वैरायटी में आप कौन सी वैरायटी का चुनाव किए हैं या फिर इस बार करने वाले हैं। अगर आपके भी मन में कोई और वैरायटी को लेके कोई शंका है या फिर लगाने वाले हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में धान से ऐसी रोमांचक और जानकारी भरी वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।